नंबर पोस्टर की डिटेल देखने से पहले मूवी का लोगो हमें रियलाइज कराता है मूवी का एक्चुअल नाम जो फैंटेस्टिक फोर की जगह अब काफी रिसर्च करने के बाद रखा गया है द लेकिन यहाँ भी चीटिंग हुई है ऐसी सिमिलर चीज सुसाइड के के रीमेक टाइम उस मूवी के साथ भी किया गया था सिर्फ नाम के आगे द लगा के लेकिन साथ ही में इसके ऊपर दिख रहा है मार्वल स्टूडियो का अपडेटेड लोगो भी एमसीयू की मूवीज के ओपनिंग सीन स्पेशल बनाता है ये लोगो जो दिखाता है एपिक मॉन्टेट सीन्स एंड पास्ट में भी हम एमसीयू प्रोजेक्ट

से मिली थी लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन्हें मार्वल की फर्स्ट फैमिली क्यों बुलाया जाता है रीड और बैन कॉलेज में साथ में थे एंड एंड स्पेस स्पेस एक्सप्लोर करने की की ड्रीम दोनों ने साथ में 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 देखी इसी ड्यूरेशन रीड मिला सूजन से से और उसके ब्रदर जॉनी भी फर्स्ट फ्लाइट जिस एक्सीडेंट इन चारों को पावर्स मिली थी उसके बाद से ही ये चारों एक साथ एक टीम की तरह रहने लगे थे अब वैसे तो अवेंजर्स भी एक टीम ही है तो फिर उन्हें फैमिली क्यों नहीं बुलाया जाता अब अवेंजर्स की टीम कॉमिक्स में इनके बाद बनी थी लेकिन साथ ही में ये चारों कैरेक्टर्स रिलेटेड भी है सू एंड रीड मैरिड है जिनके दो बच्चे भी हैं इसी रिलेशन का पार्ट जॉनी भी है क्योंकि वो सुजन का भाई है एंड बेन को रीड अपने ब्रदर की तरह मानता है ना ही सिर्फ बेन रीड और सुजन के बेटे का गॉड आता है जो है फ्रेंकलिन बेंजामिन रिचर्ड मोर ओवर फैंटेस्टिक फोर की टीम एक रियल फैमिली की तरह एक्ट भी करती है कंपेयर टू बाकी कॉमिक्स की टीम जिसमें मेनली उनके ऑकवर्ड झगड़े ही होते हैं तो आई होप अब आपको फाइनली पता चल गया होगा कि को Marvel की फर्स्ट फैमिली क्यों बुलाते हैं नंबर थ्री इस पोस्टर में हमें बाकी तीनों कैरेक्टर्स के फेसेस क्लियर दिख रहे हैं बट बेन ग्रिम का द थिंग बनने की वजह से फेस क्लियर नहीं दिखता जिस रीजन से पीछे वाली वॉल पे एक्टर की एनिमेटेड फोटो है जो है एक स्पेस सूट में अब जैसे मैंने पहले कहा ये टीम स्पेस एक्सपेरिमेंट में ही अपनी पावर्स पाती है बट ये सूट सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन को नहीं दिखाता ये फोटो और ये पोज एग्जैक्टली मैच करता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के इस पोज से नील आर्मस्ट्रॉग एक एस्ट्रोनॉट थे जो मून पे फर्स्ट स्टेप लेने वाले फर्स्ट ह्यूमन बने एंड ये फोटो ली गई थी

B, जिसे यूज किया गया था ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉम को रिप्लेस करने के लिए उस में ह्यूमन टॉर्च के टेलीविजन राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास जो प्लान कर रहे थे बाद में इसे फैंटेस्टिक फोर की कॉमिक्स में भी एड कर दिया गया एंड यहाँ पर इस फोटो ये क्लियर हो रहा है की इन चारों के अलावा हर भी इस टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा हर भी एक ए होने की वजह से सभी कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है इलेक्ट्रिक और कर सकता है और बहुत सारे हिडन गैलेक्टिस के ऊपर तो हमें, हाँ हम हमें दिख रहा है की इस टीम का मर्चेंडाइज भी इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करता है कॉमिक्स में ये टीम काफी बड़ी सेलिब्रिटी टीम रही है और कॉमिक यूनिवर्स के सभी लोग उन्हें जानते हैं निकालता है से एक मर्चेंडाइज भी है में जॉनी में स्टॉम का कैरेक्टर प्ले किया था वहाँ पे भी वो इसी तरह के मर्चेंडाइज टॉइज बेचते दिखा था एंड यहाँ पे भी ये आइडिया इस यूनिवर्स के जॉनी स्टॉम का ही होगा जो चीज अगेन ये कंफर्म कर रही है की एज फेंटेस्टिक फोर ये लोग ऑलरेडी पॉपुलर है नंबर सिक्स फैंटेस्टिक फोर की कॉस्ट्यूम जो हमें यहाँ देखने मिल रही है वो एग्जैक्टली exactly कॉमिक्स से मैच करती है 2015 वाली फैंटेस्टिक फोर में कॉस्ट्यूम्स को काफी ज्यादा ही चेंज कर दिया गया था और इस पोस्टर में बेन और जॉनी हमें उनकी कॉस्ट्यूम में नहीं दिख रहे लेकिन रीड रिचर्स और सुजन स्टोम की कॉस्ट्यूम मैच करती है फैंटेस्टिक फोर की ओरिजिनल कॉस्ट्यूम से कॉमिक्स के वॉल्यूम वन के इशू वन एंड टू में कोई कॉस्ट्यूम ना होने के बाद थर्ड इशू में सूजन ने सबके लिए सूट क्रिएट किए थे जिसमें पहले तो बेन ग्रेम टोटली सूट में धका रहता था विद कम्पलीट फेस मास्क बट देन इशू नंबर सिक्स से उसने बाकी सारे कपड़े उतार दिए सिवाय उसके शॉर्ट्स के एंड तब से मल्टीपल कॉस्ट्यूम अपडेट्स हुए हैं इस टीम में जो इनके फ्यूचर अपीयरेंस में हमें देखने मिल सकते हैं आप भी विक्स की हनी गोली ले लो ये बनी है खास औषधिक मिश्रण से विक्स की गोली खोल दे बोले ऑल तो यहाँ पे मिसिंग है ग्लव एंड कॉलर बट ब्लू शेड जरूर मैच करता है कॉमिक्स की ओरिजिनल कॉस्ट्यूम से नंबर सेवन इसी कॉस्ट्यूम में फैंटेस्टिक फोर के बूट्स है सिल्वर कलर के अब कॉस्ट्यूम की बात हो गई बट बूट्स को मैं अलग पॉइंट में क्यों बता रहा हूँ इसका रीजन है इनका सिल्वर कलर जिस ओरिजिनल कॉस्ट्यूम की बात लास्ट पॉइंट में हुई उसके बूट्स एंड कॉलर का कलर ब्लैक था द फेंटेस्टिक फोर वॉल्यूम वन इश्यू टू फिफ्टी सिक्स में जब नेगेटिव जोन में फंसे रहने के बाद फाइनली ये टीम बाहर निकली तो इनकी कॉस्ट्यूम के ब्लैक शेड्स को व्हाइट में चेंज कर दिया

वो चीज क्लियर हो रही है बेन ग्रिम के हाथ में दिख रही मैगजीन से ये मैगजीन है 1963 की लाइफ मैगजीन मैगजीन एंड इस एग्जैक्ट का रिलीज हुआ था 1963 में इसके फ्रंट कवर पे हमें दिख रहे हैं यूएस के थर्टी प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन अब स्पेस में जाना एंड मून लैंडिंग दोनों ही मिशन प्रेसिडेंट जॉनसन के अंडर पुश हुए थे जो ये चीज क्लियर करता है कि ये एरा 1963 से 69 के बीच का दिखाया जा सकता है इसके अलावा एक्टर पेड्रो पास्कल ने भी मार्वल के अनाउंसमेंट के बाद सेम फोटो शेयर करके

उससे रिलेटेड काफी सारे कैरेक्टर्स अब भी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर किसी ने अभी तक फैंटेस्टिक फोर को मेंशन क्यों नहीं किया है इसके पीछे मेरी एक थेरी है लेकिन वो डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऑल्सो वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्यूँकी वो एकदम फ्री है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में